साहब जो है उदय कोटक साहब जो है उनका जो रिपोर्ट आया कि वो 1.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। मेरे पास माँ है और करण अर्जुन है। बट दिस इज अ ग्लोबल थिंग। आई हैव सीन इन अमेरिका, आई हैव सीन इन कनाडा, आई हैव सीन इन द मिडिल ईस्ट। कोई खर्चा नहीं करता। आरबीआई तेरे पीछे पड़ा हुआ है, दो साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है कि भैया तुम करो। उन्होंने बोला हमने करेक्टिव एक्शन प्लान बोलते हैं उसको। आरबीआई ने उसमें करेक्टिव एक्शन प्लान में छेद निकाल दिया कि तुमने बोला प्लान ये, मैं ये सर, आपने बोला सर ये खामियां हैं, मैं ठीक करूंगा। ठीक है, बैंक ने बोला मैं ठीक करूंगा, ये मेरा प्लान है। आरबीआई को दे दिया आपने प्लान, वो भी ठीक नहीं किया तुमने। एक साल हो गया, दो साल हो गए, मजाक है क्या? डीपीडीपी तो अलग स्टोरी है। उसमें भी कुछ केसेस है आपके पास? नहीं, डीपीडीपी तो दुनिया बोल रही है हम डीपीडीपी कर रहे हैं, हमारे प्राइवेसी करनी है करनी है, तो लेकिन इट इज टू अर्ली। अभी तो कानून बोला है कि कानून है, लेकिन वो कानून में करना क्या है, कैसे करना है, वो तो अभी तक बातें हुई नहीं। नमस्कार दोस्तों, गौरव पत्रा शो में आपका स्वागत है। थ्रेट इंटेल के बारे में जाना हमने जाना कि क्यों जरूरी है वो अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचना और उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना और फिर अपने इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना। पर कोई भी टूल, कोई भी सिस्टम जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसको चेक कैसे करें, कैसे हम उसको देखें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो हमें उस पर्टिकुलर टूल से अचीव करना था वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आता है ऑडिट, यहाँ पे आती हैं रेगुलेशन, यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लायंसेस। इन सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं दिनेश बरेजा। वो इंडस्ट्री में 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा टेक्निक, कोई भी ऐसा साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिशनर उनको नहीं जानता है और उनके साथ काम करने की इच्छा नहीं हुई है उनकी। सो दिनेश बरेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 6 साल से, जब से मैंने साइबर थ्रेट स्टार्ट किया था, जब से हमने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, जब से हमने एजुकेशन सिस्टम का साइबर थ्रेट में शुरू किया, तो उनके मेंटरशिप के साथ हम आगे बढ़े हैं। दिनेश बरेजा जी का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है ऑडिट में, वो आरबीआई रेगुलेशन से भी आईआरडीए को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये आजकल फ्रॉड हो रहे हैं और बैंकिंग इकोसिस्टम में इतने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा ऑडिट कहाँ पे वीक है, कहाँ पे जो हमारे स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स हैं उनको समझना चाहिए और बिजनेस लीडर है कि साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरत है, ऑडिट को इम्पोर्टेंस क्यों लेना चाहिए, कंप्लायंस और रेगुलेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात जो आज का युवा है वो जब ऑडिट फील्ड में आ रहा है तो उसको क्या क्या लर्निंग्स, क्या क्या फ्रेमवर्क हैं जो पता होना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं, एक क्वालिटीज़ हैं एक ऑडिटर में जो वो उन सबको सीखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं ऑडिट के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में और एक अच्छा ऑडिट कैसे किया जा सकता है। नमस्कार सर, आपका गौरव पत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा था मैं, फाइनली हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि दिनेश बरेजा जी साइबर थ्रेट के साथ पिछले 6 साल से, जब मैंने सोचा था कि मैं साइबर थ्रेट बनाऊंगा तब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारे स्टार्टिंग के इवेंट्स हों या कोई सेशंस हों या गाइडेंस हो, और आई थिंक मेरे पहले प्रोग्राम में वो एज ए गेस्ट आए थे, उन्होंने हमारे पैनलिस्ट को गिफ्ट दिए थे, तो वो तब से आपकी सपोर्ट है हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे शो पे आए हैं और आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और सर से हम बात करेंगे कि ऑडिट जो होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले तो ये ऑडिट होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, उस पर बात करें सर आपसे। सो basically always a pleasure to meet you. Thank you sir, and very happy to see the growth of cyber threat over the years, and thanks for calling me over. So audit hota kya hai? Actually it is a very, I should say, formal process where somebody comes in
एंड सीज व्हाट यू आर डूइंग. सर ये हिंदी शो है. हिंदी है, चलो हिंदी ये हिंदी में बात करेंगे हम इसमें. ऑडिट ये है कि भाई कोई ऑडिटर आता है और आपके जो सिस्टम है, प्रोसेस है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. जनरली हम ऑडिटर को जानते हैं फाइनेंशियल ऑडिट के हिसाब से, कि जो आपका जो है फाइनेंशियल ऑडिट करता है वो जनरली बहुत जाना बेचाना है, बहुत सालों से, शुरू से ही है उसे. उसी में अभी वही ऑडिट टर्म आ गया कि भाई सिक्योरिटी की ऑडिट करें. तो आपकी कंपनी में क्या सिक्योरिटी कंट्रोल डाले हुए हैं, कौन सा बेंचमार्क आप यूज़ करते हो, ISO यूज़ करते हो, RBI के हिसाब से चलते हो, SEBI के हिसाब से चलते हो, NPCI के हिसाब से चलते हो. सबके अपने अपने एक क्या कहते हैं फ्रेमवर्क है, या उनका जो रेगुलेशन है, या उनकी डिमांड है कि आप ये करो. तो उसके हिसाब से आके ऑडिटर चेक करता है कि भाई आपके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं. जैसे आपका जो है पॉलिसी है कि नहीं है, वो पॉलिसी जो आपने बनाई हुई है पॉलिसी को आप फॉलो करते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है. आपके एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं है, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप VAPT करते हैं कि नहीं करते हैं, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी चेक करते हैं कि नहीं करते. अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपकी सिक्योरिटी डेवलपमेंट करते हैं कि नहीं करते. इतनी चीज़ मतलब और भी डीप जाता है ऑडिटर. तो ये ऑडिट है बेसिकली जो दुनिया दूर भागती है, दुनिया को डर लगता है, क्योंकि हर एक कंट्रोल जो आदमी 100% तो कर नहीं सकता. अब कंट्रोल 100% नहीं तो एटलीस्ट 60-70% तो कर ले, वो भी नहीं होता. लोग 5-10% पर बैठे होते हैं तो इसलिए डर लगता है उनको. ओके. और आपके हिसाब से ये करना जरूरी क्यों है? क्यों 5-10% पे नहीं होना चाहिए पर लोगों को 70-80% या 100% तक जाना चाहिए? सी, पहली बात तो लोग सोचते हैं कि भाई जो कंट्रोल है या जो RBI ने जो कानून बनाया हुआ है या SEBI ने जो कानून बोलना चाहिए उसको, एक तरह का रेगुलेशन है तो कानून एक तरह बोलते हैं, या कानून है या फ्रेमवर्क है, स्टैंडर्ड है. उन्होंने बोला ये स्टैंडर्ड आप फॉलो करो. ये ISO आपने, ISO का कोई मतलब कानून नहीं है, वो आप अपने हिसाब से ही लेते हैं कि भाई हम ISO के हिसाब से मैं काम करूँगा. तो लेकिन आपने एक बार सोच लिया कि मैं ये हिसाब से काम करूँगा तो आपको फॉलो करना चाहिए. अगर जब आप नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है उसका. तो एक तो स्टैंडर्ड हो गया या कानून हो गया, उसको फॉलो करो, बेस्ट प्रैक्टिस है, उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है. पहली बात, दुनिया सोचती है कि नहीं ये तो जो है मतलब हमको यहाँ से, जनरली बिजनेस का ये है कि भाई सिक्योरिटी हम करें क्यों, इससे कमाई तो होने वाली नहीं है. IT से कमाई तो कुछ होती नहीं है, दोनों जगह पर खर्चा पैसा होता है. सेल्स वाले को सलाम मारते हैं कि वहाँ वहाँ से पैसा, वहाँ पैसा आता है, धंधा आता है. लोग ये भूल जाते हैं कि भाई जो सपोर्ट कर रहा है IT और जो IT को जो सिक्योर कर रहा है सिक्योरिटी, इस पर भी खर्चा होना चाहिए. तो यू कांट से कि भाई यहाँ पे खर्चा नहीं करें और इसको नज़रअंदाज कर दो. तो वहाँ पे ऑडिट आ जाता है. ऑडिट एक चेक है कि आपने बोला कि मैं कर रहा हूँ और आपने नहीं किया, और आपने किया वो 10% किया, 20% किया, तो रेगुलेटर जो है RBI मानने वाला नहीं है कि आपने सही कर कुछ काम किया कि नहीं किया हुआ. अब RBI इसलिए नहीं बोलता कि भाई आपने सही काम किया, आपने इसलिए किया, उससे सिस्टम जो है वो आपका एक कहते हैं ना इंसिडेंट ना हो आपके सिस्टम में. जैसे 100 बैंक है या 1000 बैंक है, 1000 बैंक में से जो है एक बैंक ख़राब है तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का नाम ख़राब होता है. तो अगर जो आपने सही तरीके से कंट्रोल या सही तरीके से सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई है तो आपके एक इंसिडेंट से, एक हैक से बाकियों का नाम खराब होता है. अभी रिसेंटली जो एक दो बैंकों का ऐसे है जहाँ एक बैंक, बड़े बैंक का नाम आ गया तो दुनिया बाकी बैंकों को भी देखती है कि भाई यहाँ सब जगह है कि नहीं है, सब जगह दुनिया को डर लगता है. अच्छा, साथ में फिर सिर्फ वो सिस्टम की बात नहीं है, देश का भी काम है, कंट्री का भी नाम हो जाए ना कि अरे बैंकिंग इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ पे जो है कोई भरोसा ही नहीं है इनका बैंकिंग इंडस्ट्री का, कोई ठीक से काम नहीं करते. तो ऑडिट इज़ अ चेक. ऑडिट एक चेक है जो करना चाहिए ये पता करने के लिए भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैंने इन्वेस्टमेंट जो करी है. चलो आप रेगुलेटर को भूल जाओ, RBI को भूल जा सको, आपका पैसा लगा है, पैसा आप जो आप सिक्योरिटी लगा रहे हो अपने पैसे को बचाने के लिए लगा रहे हो. एक तो आपने पैसा लगाया वो वेस्ट गया, दूसरा आपके जो पैसा बचा नहीं वो भी गया. तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे उनके आप बोल रहे कि कानून है,
जैसे अभी आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, तो इनके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये जो कानून लगाए हुए हैं एक्चुअली अगर कोई बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं फॉलो करता है तो जो ये कानून है वो कितना इम्पैक्टफुल है, कितना मुश्किल है कि वो इसको पकड़ेगा। बिकॉज अगर हम देखेंगे कुछ पिछले 2-3 महीने में एक पेटीएम का इंसिडेंट आया था, उसके बाद फिर कोटक का इंसिडेंट आया, पर उससे पहले अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आ रहे हैं जहाँ पे कि आरबीआई ने ये पूरा रेगुलेशन बनाया हुआ है और बैंक नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब अभी क्यों, अभी आज के टाइम पे सेल्स के पीछे भाग रहे हैं लोग, क्योंकि रेगुलेशन का उतना डंडा नहीं है आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर बिजनेस आएगा तो रेगुलेशन करेंगे, पर अभी आरबीआई का जो वो मैंडेट है वो क्लियर है कि आप रेगुलेशन करोगे तो ही बिजनेस आ सकते हो, नहीं तो आपका बिजनेस बंद, राइट। तो उसमें एक तो ऑडिट है बैंक वालों को करवाना है, और जो दूसरा ऑडिट है आरबीआई को करवाना है कि एक्चुअली वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ा ये कानून जो है थोड़ा सख्त होना चाहिए? और नहीं सी, जो कानून जो बनाया वो सख्त है, उसकी जो है कहते ना क्या बोलेंगे उसकी इफेक्टिवनेस, उसमें अभी बहुत काम बाकी है। और सब बोलते हैं कि भाई हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि 20 साल हो गए हैं, 15-20 साल से जो है, हम अगर जो बेंचमार्क लेते हैं आईटी एक्ट का, सन 2000 में आईटी एक्ट बना, हम अभी सन 2023 में बैठे हैं, अभी 23 साल हो गए आईटी एक्ट को आगे। आरबीआई का कानून 23 साल पुराना नहीं है, जो पहला कानून है आरबीआई का वो आई थिंक 2011 का 2012 का, फिर भी 10-12 साल हो गए। तो वो उसमें जो मतलब कहते हैं ना टीथ, दांत, जहर, वो जहर था ही नहीं ना, वो जहर अब आ रहा है। अच्छा, अभी वो अभी उसकी मार में जो है जहर जो है वो अब आ रहा है, नहीं तो आप दो पाँच साल पहले जो है किस लिए था, डेटा लोकलाइजेशन, कि आपका डेटा जो है बैंकों का डेटा जो है वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को डंडा लगाया, बंद कर दिया उनका, 2 साल तक वो बेचारे दूर रहे, दुनिया को बड़ी हाई हाई लग गई पूरी दुनिया में कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, डेटा लोकलाइजेशन कैसे लेके आ गए। लेकिन वक्त के साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन द स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। अभी जैसे हाल ही में जैसे आपने बोला पेटीएम और कोटक, पेटीएम का दुनिया सोचती कि भाई मुझे क्या होगा, ये बड़ी बड़ी बैंक हैं, इनका जो चेयरमैन है या इनके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं फ़ोन करेंगे आरबीआई गवर्नर को, साहब उठना बैठना दिन का हर रोज़ का उठना बैठना, गवर्नर से नहीं तो डिप्टी वगैरह कोई, मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं, इनको हिलाना बहुत मुश्किल है, इनको जो है मतलब ये अलग ही, मतलब कहते हैं ना सुपरमैन बोलो जो बोलो, जैसे ICICI बोलते हैं कि ICICI इज़ टू बिग टू फेल, येस बैंक वॉज टू बिग टू फेल, कि फेल हो गया तो गया मतलब सिस्टम उड़ जाएगा, ऑब्वियसली। लेकिन येस बैंक का जो मालिक है वो बैठा हुआ जेल में, ICICI की जो मालकिन थी उसको बाहर निकाल दिया, एट वन टाइम दे वर ऑल द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री, अब वो कहाँ गए। तो रेगुलेशन सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, रेगुलेशन जो है मतलब आपकी एथिक्स का है, गवर्नेंस का है, सब चीज़ पे है। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये नहीं किया, मेरे को जान मैं नहीं जानता, जैसे वो ICICI में बोला मैडम ने कि मुझे नहीं मालूम था मेरे हस्बैंड कर रहा है वो काम, भाई ठीक है तुम्हें नहीं मालूम था, या येस बैंक ने बोला कि मुझे नहीं मालूम था ये बंदा ऐसे भाग जाएगा, ये जैसे पंजाब नेशनल बैंक में जो नीरव मोदी का चक्कर था, मुझे नहीं मालूम था, अरे तुम्हें कैसे नहीं मालूम था, एक आदमी जो है 1-2 करोड़ रुपये करता है ना तो ठीक है, 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ की तुम हो रहा है तो तुम्हें मालूम नहीं है, उनको 50,000-1,00,000 वाले सब मालूम है, करोड़ वाले नहीं मालूम है। 1-2 करोड़ तो है वो तो चलो नीचे लेवल पे मैनेजर के लेवल पे हो जाता ना, जहाँ 100, 200, 500, 1,000 करोड़ पे आती है तो बोर्ड पे जाएगा, सबको मालूम है। और ये जैसे अभी देखें अभी ये कोटक का, उसमें तो आरबीआई का अगर जो आप सर्कुलर भेजे देखें जो उन्होंने इशू किया, वो सीधा सीधा छोटी बातें करते हैं सिक्योरिटी में, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, सबसे बेसिक बात क्या है, पैच मैनेजमेंट, उन्होंने पैच नहीं किया हुआ, उनका पैच मैनेजमेंट वीक है, बैकअप वीक है, DLP वीक है, मतलब फंडामेंटल चीजें तुमने नहीं करी है, नेटवर्क और OS लेवल पे, और 2 साल से आरबीआई तेरे पीछे पड़ा हुआ है, 2 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है कि भैया तुम करो, उन्होंने बोला हमने ये करेक्टिव एक्शन प्लान बोलते हैं उसका,
आरबीआई ने उसके करेक्टिव एक्शन प्लान में छेद निकाल दिए कि तुमने बोला प्लान ये है, मैं ये सब, आपने बोला सर ये खामियां हैं मैं ठीक करूंगा, ठीक है बैंक ने बोला मैं ठीक करूंगा, ये मेरा प्लान है, आरबीआई को दे दिया आपने प्लान, वो भी ठीक नहीं किया तुमने, एक साल हो गया, दो साल हो गए, मजाक है क्या? अब वो ठीक है, ऊपर ऊपर में बातें चल रही होंगी जो भी, हाँ ऊपर बातें बीच बातें जहाँ पे भी, बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हमारे हिंदुस्तान में है ना, हम मैनेज कर लेंगे। वही है, जब तक आपके ऊपर आती नहीं है चीज, होती नहीं है, तब तक आपको लगता नहीं है कि मेरे साथ नहीं, उनके तो आई भी थी हाँ। दरवाजे पे, पेटीएम पे भी दरवाजे पे भी दो साल से नॉक हो रहा है, ये अपना कोटक में भी दो साल से वो खटखटा रहा है, पर उनको लगा ये खटकाते रहेंगे और खटकाते चले जाएंगे वापस चलेंगे। ये नहीं, देखिए हिंदुस्तान हमारा कल्चर क्या है, हम मैनेज कर लेंगे। आपको जो है आपने सिग्नल तोड़ा, हवलदार ने रोका आपको और बोला लाइसेंस दो, आप लाइसेंस नहीं निकालते हो, आप बटुआ निकालते हो, उसको 100 रुपये देते हो, जब वो बोलते नहीं चाहिए तब आप उसको लाइसेंस दिखाते हो, फिर वो उसके बोलते हो मिन्नत करते हो, तो तूने सिग्नल क्यों तोड़ा, उल्टे रास्ते से क्यों आ रहा है? सही बात है, इनका वही हाल है ना, टू बिग, इतने बड़े हो गए कि मतलब ये तो मतलब खुद में ही कानून बने हुए ना, कि मुझे कौन हाथ लगाएगा, अरे तुम्हें कौन हाथ लगाया साला, लग गया हाथ तुम्हारा अभी। अब देखिए दो साल से मैं, मेरा सिंपल एस्टिमेट है, दो साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, आरबीआई में हूँ और मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ दो साल से, कि ये करो 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 करो, आप कोई नए बच्चे तो हो नहीं, कोटक में जो है मैं इतना जानता हूँ कि दो तीन बड़ी कंपनियाँ जो है वहाँ पे ऑन साइट सिक्योरिटी सर्विस देती हैं, उनके बंदे बैठे हुए हैं, होंगे ज़रूर होंगे, क्या किया आज तक, कोई प्लान ही नहीं है क्या, कोई ठीक से काम ही नहीं किया? अगर तुमने वो दो साल या वो पाँच साल पहले सीधा बिल्कुल ही फॉलो करते हो उसको, तो तुम्हारा जो है साल का 2-5 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्चा होता, दो साल तीन साल में 20 करोड़ 30 करोड़ खर्चा हो गया। अभी सीईओ का जो एक खुद का स्टेटमेंट है कोटक का कि उन्होंने 350 करोड़ रुपये अलग रखा है ये जंजाल से बाहर निकलने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट हो गया ना उसका, हाँ 350 करोड़ में तुम रख रहे हो, 10% में मैनेज किया जा सकता था जो, अच्छा साथ में उनका जो शेयर गिर गया, वो शेयर गिरने से जो मार्केट में उनका 11-15% शेयर गिर गया, तो कोटक साहब जो है, उदय कोटक साहब जो है, उनका जो रिपोर्ट आया है कि उनको $1.1 बिलियन का नुकसान हुआ है, ये एक इसकी वजह से, दिस इज द कॉस्ट। हम अंधे तो है नहीं, हर रोज हम पेपर में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कांड नहीं हो रहा है वो बात दूसरी है, हिंदुस्तान में भी कांड हो चुके हैं, कॉस्मोस बैंक में हो चुके हैं कांड, राइट, यूको बैंक में कांड हो चुके हैं, बीच में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का था, बदमाशी सब कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, क्यों? डंडा है नहीं, जहर है नहीं उसके डंडे में। अब डंडा जब कहते ना, वो जब पानी पूरा सर से निकल गया तो आरबीआई ने हिलाई, हंटर मारा, और वो हंटर से मतलब अब चोट लगी है जाके, और थोड़ा आसपास वाला माहौल भी सुधरेगा। हाँ, पर इसका जो अभी नॉन रेगुलेटरी कंपनीज है जो, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज में ऑडिट करते हैं, चलो एक तो वो हमें समझ आता है कि पैसा है क्योंकि इसमें खर्चा होता है, वही सबसे बड़ा रीजन है या कुछ और भी? क्योंकि आज के टाइम पे अवेयरनेस तो हो रहा है कि रैंसमवेयर हर दूसरी कंपनी में आ रहा है, फ्रॉड हर जगह पे हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहे हैं, डेटा थेफ्ट हो रहे हैं, तो लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं या उनको बिजनेस को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बिजनेस पे ऐसा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि चोरी होगी तो पड़ोसी के घर में होगी, मेरे घर में नहीं होगी। तो आपका जो ऑडिट करते हो आपने कैसे कैसे केसेस देखे हैं या कैसे बिहेवियर्स देखे हैं, थोड़ा उसके बारे में? बिहेवियर बड़ा सिंपल है, मेरे घर में आग नहीं लगी है, हाँ, और ना लगेगी, मेरे पास माँ है और करण अर्जुन है ये हिंदुस्तानी जो, ये जो है मतलब आई शुड नॉट से हिंदुस्तानी बट दिस इज अ ग्लोबल थिंग, आई हैव सीन इन अमेरिका, आई हैव सीन इन कनाडा, आई हैव सीन इन द मिडल ईस्ट, कोई खर्चा नहीं करता। ओके, जब तक वो कहते हैं खड्डे में गिरेगा नहीं, तब तक वो देखेगा नहीं खड्डा है, खड्डा है सही से निकल जाओ। वेरी फ्यू कंपनीज आते हैं वो एक्चुअली परस्यू करते हैं कि भाई हाँ एज अ प्रैक्टिस मैं इसको करूँ, लेट मी इन्वेस्ट मनी। हम इंडिया की ही बात करें,
हर एक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनी में घुस जाओ, आपको जो है बड़े से बड़ा वहाँ पे फॉरेंसिक और आईटी का टूल दिखेगा। फॉरेंसिक तो चलो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का फॉरेंसिक टूल पड़े हैं। अभी आप किसी में भी घुस जाओ, बोलो कि यूज़ क्या हो रहा है, आप देखना। आप अभी साइबर फ्रॉड से यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ सीसोज एवरी डे, यू जस्ट डू वन स्मॉल सर्वे, 100 सीसोज, व्हाट टूल्स डू यू हैव, वो बताएगा आपको। मेरा SIEM है, SOAR है, EDR है, XDR है, जीरो ट्रस्ट भी कोई बोल देगा है, कोई बोलेगा ये भी है वो भी है, कर करा के जो आपको इतनी लंबी लिस्ट दे देगा टूल्स के, सिक्योरिटी टूल्स के, IDS, IPS तो बोल सके होता ही है। अच्छा फिर वो उसको बोला फॉरेंसिक की भी टूल है, बोला हाँ फॉरेंसिक की टूल भी दे देगा। फिर आपको बोला VAPT की, हाँ वो भी दे देगा। अच्छा भाई ठीक है, अब वो बताओ यूज़ क्या करते हो, ये लास्ट यूज़ कब हुआ था, फिर वो देखना। और दो या तीन उसके जो आप दे लो, DLP ले लो और उसका SIEM ले लो, आप देखना उसे कभी यूज़ केस कितने हैं, कुछ डिफॉल्ट से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं उसको जो है रिटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन बोलता हूँ। दुनिया पागलपंती बात करती है, अरे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट छोड़ो ना, रिटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन देखो। चलो तुमने अब खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी तुमने, समझो कार ले ली, अब कार नीचे खड़ी हुई तुम्हारी, बाहर क्यों नहीं जाती, बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि बाहर तुम्हारे घर के बाहर जो है इतना बड़ा सारा स्पीड ब्रेकर बना कर रखा है BMC ने, जितनी स्पोर्ट्स कार है वो नीचे है, और जाएगी आप जाओगे तो सारा ऊपर अटक जाएगी वो, तो वहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा आपको। तो आपने 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद ली, अंदर खड़ी हुई है, यूटिलाइजेशन क्या हुआ। ओके तो वहीं पे खड़े खड़े आप उसको रेस देते हो, बंद करके चले जाते हो, क्यों रेस नहीं दोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। सही है, सही तो है। द थिंग इज की टूल्स आपने लिए हैं, क्या किया, कंप्लायंस दिखा दिया, हमने टूल लगा लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया। अच्छा रिपोर्ट आ रही है आपको SIEM की, आपने आज तक रिपोर्ट खोल के देखी है। आपको एक ऐसे किस्सा सुनाता हूँ, एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ रिपोर्ट, ये SOC रिपोर्ट आता था, आज नहीं 5 साल से रिपोर्ट आ रहा है। एक दिन ऐसी मेरे को भी एक रिपोर्ट दे दिया, मैं खोला ये क्या है, रिपोर्ट है सर, अच्छा वेरी गुड। तो इसमें मैंने कहा एक ये तुम्हारा जो ये अनऑथराइज एक्सेस जो है, ये क्या था, नहीं उसका अनऑथराइज एक्सेस नहीं था, इट वॉज एक्सेस कंट्रोल्स का उसका हुआ था रिपोर्ट, कि सो मैनी फेल्ड लॉगिन्स, एक पर्टिकुलर लॉगिन था वो फेल, वो 10 बारी 50 बारी उसका फेल हो रहा था, एक हफ्ते में 10-50 बारी होती, ये कौन है, बोले ये एडमिन है। अरे एडमिन 50 बारी क्यों फेल हो रहा है, नहीं सर वो मतलब क्या है, अगर तुम्हारा एडमिन ही 50 बारी फेल हो रहा है उसका लॉगिन, तो मतलब एडमिन को मालूम ही नहीं पासवर्ड का है, वो भी एक ही वही मशीन पे। अरे तुमने सवाल ही नहीं पूछा, तुमने हमने खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं देखी, 5 साल से कोई रिपोर्ट देखी है ना भाई, रिपोर्ट आती है भाई, साल के साल रिन्यूअल चला जाता है, अब कौन देखेगा उसको। तो ऑडिट पे वापस आते, तो ये ऑडिट ये पूछता है ना, 2-5 छोटे सवाल पूछ लेगा, पासवर्ड तो आपका जो है आपने बनाया पासवर्ड, हाँ जी बनाया, डिफॉल्ट पासवर्ड है इसमें तो है, वो क्या होता है ओके या आपने अपडेट डाला कि नहीं डाला, जैसे कोटक का है पैच मैनेजमेंट नहीं किया, अरे पैच का मतलब अपडेट ही है ना, अब अपडेट आपने किया ही नहीं, अपडेट का टारगेट जो है 90% है, ठीक है आपकी जो आपकी अपडेट जो है 40-50% है चलती आ रही है, तो फ़ायदा क्या, या आपकी मशीनें जो एंड ऑफ लाइफ हो गई हैं, विंडोज 7 चला रहे हो मजे में, ऐसा हमारा एक क्लाइंट है 500 मशीन है, उससे 300 मशीन जो एंड ऑफ लाइफ है उसकी, अरे बाप रे, उसमें तो मालूम ही नहीं उनको। पर इसका तो इम्पैक्ट होता होगा ना, जैसे मतलब कंपनियां भी ऑडिट करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल रही है, ऑडिट भी चल रही है, ऑडिट भी दोस्ती आ रही है, दोस्ती आ रही है। तो ये ऑडिट में बहुत सही रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ऑडिट को भी मैनेज करते हैं कि हाँ ठीक है कंट्रोल चल रहे हैं नहीं चल रहे, ऑडिट आएगा तो जब आने वाला होता है तब डॉक्यूमेंटेशन तैयारियां वो सब शुरू हो जाती हैं कि भाई ऑडिट आ रहा है, ऑडिट आ रहा है, पूरे साल काम नहीं करेंगे, 2 दिन में सब डॉक्यूमेंट रेडी, ऑडिट आया, चेकलिस्ट किया, ऑडिट को भी खिलाते भी लग गए। आपको कैसा लगता है ये कहता है ये कल्चर, और बहुत धंधे की बात है, सीधी बात है, इट्स बिजनेस,
तो बिजनेस में चलता है, ऑडिट भी दोस्ती यारी चल जाता है, और आप सवाल पूछते हो तो एनसी नहीं देते, एनसी देना तो मतलब बड़ी बात हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चाकू छुड़ी निकल आएंगे तो मैनेज, मैंने बोला मैनेज, हाँ मैनेज, हम लोग मैनेज करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, जुगाड़ इज़ अ वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ आवर्स, एंड तो सब जगह मैनेज होता है। अभी जैसे अभी आरबीएम भी मैनेज नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो जाता है कि भाई आपको जब बंदा दिखता ही नहीं है, ऑडिटर आया ही नहीं, या आया तो चार पांच बंदे इकट्ठे मिल के आ गए, आप किसको वो करोगे, बट सब देखा हुआ था। ठीक है तो, चलो ऑडिट है जो आफ्टर थॉट होता है, पहले हम एक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके ना बहुत सारे सेशन सुने, आप हमेशा कॉमन सेंस को एडवोकेट करते हो, तो आपके हिसाब से सिक्योरिटी की कॉमन सेंस क्या है, और उसके बारे में आप हमेशा कहते हो कि नहीं सिक्योरिटी है तो मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी कुछ हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, मैंने बहुत सुना है आपका वर्ड। नहीं, कॉमन सेंस तो देखिए ऐसा है कि अगर मैं कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे को सिस्टम ने कुछ बोला, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ यस यस बोल दिया उसको, भाई पढ़ तो लो, या मैं किसी साइट पे गया हूँ, साइट ने बोला कि भाई यू आर इन्फेक्टेड क्लिक हियर, अरे इन्फेक्ट क्यों हुआ मैं, कैसे हुआ, कॉमन सेंस है ना। जब मेरे को अभी जैसे मैसेज आया कि आपका जो अकाउंट मैं बंद कर दूंगा, ये आजकल बहुत कांड हो रहे हैं ना कि आपका पार्सल आया है और वो कस्टम ने रोक लिया, अच्छा फिर वो लवर वाले भी होते हैं, वो भी कांड हो रहे हैं, और कंपनी में भी कांड हो रहे हैं, ईमेल आया कि भाई पैसा भेजो, लोगों ने पैसा भेज भी दिया, तो कॉमन सेंस आपने यूज़ ही नहीं किया ना। मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि भाई हम बाहर सड़क पे अकेले हैं, भले बंदा बंदा है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे आके बोलते हो हाय दिनेश, या हाय बोला मेरे को, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, कहाँ काम करते हो, मैं बोलूँगा भैया अपना रास्ता ना, तू कौन है, और अगर कोई लेडी को जाके मैंने बोला तो थप्पड़ पड़ना ज़रूरी है, लेकिन इंटरनेट पे नहीं होता है। मैंने तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, आँख बंद करके यस हो गया, लिंक्डइन में तो स्पेसिफिकली तो, और आपने मतलब यस भी बोलने के टाइम में आपने प्रोफाइल भी चेक नहीं किया बंदे का, कौन है क्या है, सामने वाले ने मैसेज भेजा हाय बोला, आपने भी हाय बोल दिया, व्हाट्सएप पे आजकल बहुत वो कांड चल रहा है, हाय बोला, हेलो हेलो बोला, तो दोस्ती यारी हो गई, और फिर उसका जो है कांड क्या होता है एंड में, वो डीप फेक है, कोई ना कोई पॉन्ड वाला चक्कर, उसमें ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट कॉमन सेंस इज़ कि भाई व्हाई एम आई डूइंग समथिंग जो मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं करूँगा, या मेरी मेरा जो लैपटॉप है या मेरी मशीन है, मुझे अपडेट का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन है, मैंने नज़रअंदाज कर दिया उसको, क्यों, अरे सिस्टम है, उसने कुछ बोला ना तुम्हारे को, हाँ बोलो, अपडेट करो, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, अच्छा वो है बैकअप है, पैचिंग हो गया, सिस्टम ने अलर्ट दिया आपको कुछ हो रहा है, आपने नहीं देखा, आपने कभी अपनी मशीन को साफ तक नहीं किया, आपको 90% बंदा दे रहा है, धूल मट्टी जमी होती है अंदर स्क्रीन पे, वो सब भी स्क्रीन पे होती है, सब जगह होती है, इट इज़ द मोस्ट डर्ट, योर कीबोर्ड इज द मोस्ट डर्टी प्लेस, आपने कभी साफ ही नहीं किया, अच्छा आप जा रहे हो लैपटॉप को छोड़ दिया, जगह धूप में छूट गया, तो दीज आर ऑल कॉमन सेंसिकल थिंग्स ना। और आई थिंक आपका 30+ साल का एक्सपीरियंस होगा ना, और ज़्यादा हो गया क्या सिक्योरिटी में, ओवरऑल 30+ तो है ही है, नहीं 40+ साल, अच्छा ओके हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी आपको साइबर सिक्योरिटी के दादाजी कहते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं अभी ये 40 साल में कुछ ऐसे 2-3 फनी वाले इंसिडेंट बताइए जहाँ पे कॉमन सेंस आपको लगता है कि होती तो मतलब करोड़ों रुपए बच जाते, बहुत सारे नहीं, वो तो सामने कोटक है ना, वहाँ दूर जाने की सोचने की जरूरत है, कॉमन सेंस कोटक ने जो लगाया होता है, या हमारा एक क्लाइंट है जहाँ 6 करोड़ का उसका जो बजट है आईटी का, हाँ थोड़ा बताइए ना उसके बारे में, और उसका जो सिक्योरिटी का बजट 22 लाख रुपए, 22 में से 10 हमको देता है वो, ओके मतलब 6 करोड़ आईटी का बजट, 6 करोड़ आईटी का बजट है, आईटी में ही जो है सिक्योरिटी का बजट है, ओके और उसका सिक्योरिटी है 22 लाख रुपए, और 22 में से 10 हमको देता है, 12 लाख बाकी जो अंदर का कुछ पता नहीं कहाँ खर्चा करता है। तो ऐसे वो है,
फिर और फिर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन बड़ा चक्कर चलता है। हाँ जी, तो कुछ कंपनियां हैं जो आपको दो तीन लाख रुपए चार्ज करेंगी सर्टिफिकेशन का, कुछ कंपनी जो है आपको 50-60 हज़ार में दे देंगी, और कुछ और कंपनियां जो 5 हज़ार में दे देंगी। अब आपको गवर्नमेंट का कोई टेंडर डालना होगा ना, तो आपसे वो सर्टिफिकेट मांगता है, रातों रात सर्टिफिकेट मिल जाता है, टेंडर भर जाता है, बात खत्म हो जाती है। और गवर्नमेंट भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। और इस सर्टिफिकेट को चेक करने का कि क्या जेन्युइनिटी है, कितना इस पे काम हुआ है, कोई सोर्स नहीं, काम है, कुछ काम नहीं। कुछ होगा ही नहीं ना, सर्टिफिकेट आपको हाँ। जैसे पीएचडी की डिग्री नहीं मिलती आजकल आजकल तो सब डॉक्टर घर घर डॉक्टर, मतलब घर घर डॉक्टर वो फ्रॉड का ना, वो ऐसा है कि घर घर डॉक्टर, हर एक बंदा डॉक्टर है, तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो जैसे ये डॉक्टर वाले का भी काफी न्यूज में आया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई थी, तो ये सर्टिफिकेशन में ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है कि ये वाली कंपनीज हैं जो ये ऐसा प्रोवाइड कर रही हैं या कुछ ऐसा नाम नहीं, आपको ढूंढना होगा? पड़ता है, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ओके ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो ऐसे होता है, जब काम पड़ता है तो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन और बड़े बड़े टैग कंपनियां लगा के घूम रही हैं, तो हाँ उनका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब कि नहीं, वैल्यू जस्ट सी पेपर वैल्यू तो है ही है ना। अभी आपको कंपनी अंदर तो घुसने नहीं देगी नहीं कि भाई आपने मतलब वो कुछ करा हुआ है कि नहीं करा हुआ काम अंदर, ठीक है ना। बट बाहर तो है ना, 9001, 27001, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट है, सब पर सब। अगर ऐसे कोई मतलब ये कर रहा है, इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है? जैसे लेट से कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को, लेट से साइबर थ्रेट ही है, मैं एक कंपनी को अप्रोच करता हूँ कि मुझे एक ISO 9000 या 27000 वाला सर्टिफिकेट चाहिए, वो बोलता है लो जी 10,000 रुपये में आपने सर्टिफिकेट ले लिया, राइट ठीक है, अभी उस सर्टिफिकेट को दिखा के मैं आगे से बिजनेस लेता हूँ। जी, नंबर एक तो कंपनी है जो मुझे सर्टिफिकेट दे रही है, नंबर दो दूसरी कंपनी है जो मुझे बिजनेस दे रही है सर्टिफिकेट के ऊपर, और कल को कुछ फ्रॉड होता है, मेरी तरफ से डेटा लीक होगा, तो मुझे या उस कंपनी को कुछ वैसा आज तक केस हुए हैं, नहीं कुछ नहीं पेनल्टी नहीं है ऐसे कुछ? केसेस हैं, इसे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी बोलते हैं, या आज के ज़माने में इसको सप्लाई चेन भी बोलते हैं। तो आपका सर्टिफिकेशन है और आपके यहाँ कांड हो गया, क्या करोगे? आपके यहाँ कांड हुआ विच अफेक्ट्स योर क्लाइंट ऑल्सो, जैसे साइबर थ्रेट का हमने एग्जाम्पल दिया। हाँ जी, अगर आपके 10-15-50 क्लाइंट हैं, आपने बोला भाई हमारे पास ये सर्टिफिकेशन, हम बिल्कुल ही ठीक सही हैं, आपका डेटा हमारे पास में है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज सेफ, लेकिन आपके यहाँ कांड हो जाता है, आपके यहाँ से आपके क्लाइंट का डेटा बाहर चला जाता है। अब वो क्लाइंट का डेटा जो बाहर जाता है, जिसने भी हैक किया उसने वो और बाहर कर दिया, तो रेपुटेशन आपकी क्लाइंट ही गई। अब आपका क्लाइंट आपको पूछता है कि वो क्या चक्कर है। अब ऐसे केस में जो ये रेगुलेटर हैं जैसे RBI, SEBI वगैरह, ये लोग खड़े होते हैं कि आपका जो है डेटा बाहर निकला है, ये कैसे निकल गया। अब आपको बोलते हैं कि भाई आप अपना इन्वेस्टिगेशन करो अपने सप्लाई चेन में, तो देन यू गो बैक। तो उसमें जैसे हमारे एक क्लाइंट है, उसमें एक बड़ा बैंक है, उनका बैंक में बैंक का जो है वो हुआ कि भाई कांड हो गया। अब वो बैंक के वहाँ कांड नहीं होता, बैंक का कोई और वेंडर था, उसके वहाँ कांड हुआ था। ओके, और वो वेंडर के वहाँ कांड हुआ, यहाँ पे ये बात आई, इन्होंने फिर RBI ने बोला कि भाई तुम जो है जितने भी तुम्हारे सप्लायर हैं उनका वो करो, ऑडिट करो। तो उनके मतलब हर एक सप्लायर का तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बड़े सप्लायर हैं उनके पास है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो उनका एक वेंडर था, ओके, तो उसके पास आ गए। अभी आप मानोगे नहीं, अभी 1.25 साल हो गया ये बात हो गए, 4 बार ही ऑडिट हो चुका है, अलग अलग ऑडिटर आए हैं। तो वो 4 ऑडिटर जो है वो भी जो है मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी वाले आए हैं, जो आके 2-3 दिन लगा गए। तो 2-3 दिन बंदा आके लगा के गया, तो समझे आपके 15-20 डेज ऑडिट हुआ उसका, प्लस 10-15 दिन उसका जो रिपोर्टिंग का टाइम गया, तो 30 डेज का ऑडिट हो गया। 30 दिन का ऑडिट का अगर जो कम से कम जो 25-50 रुपये पर डे लेगा, तो वो एक एक के पास खर्चा हुआ। हाँ, अब वो बैंक का जो है मतलब समझो 10 या 15 या उनके जो है बड़े वेंडर्स रहेंगे, बड़े सप्लाई चेन वाले रहेंगे, तो एक एक के वहाँ पे जो उसका 50-60 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, ये हाल हो जाते हैं। तो जब बैंक, अभी RBI का एक नया वो निकला है, एक नया लाइन ऑफ बिजनेस है, उसमें है कि आपने अगर जो जब ऑनबोर्ड कर रहे हो अपना मर्चेंट को या वेंडर को, उस टाइम आप ऑडिट करिए उसका, इसके सर्टिफिकेशन है कौन सी, PCI DSS है, ये है वो है,
और आप चेक करो उसको, और ये भी नहीं कि एक ही बारी चेक करो, क्वार्टरली चेक करो, हाफ ईयरली चेक करो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। तो अगर कल साइबर फ्रॉड जो है किसी बैंक का वेंडर बनता है तो तैयार रहना कि भाई हमारे पास में बंदा आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो भी प्राइवेसी का भी आ रहा है, DPDP आ रहा है, रेगुलेशन आ रहा है, मस्ट है लाइक, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो आप ही की है, उसके बाद आपके 10 वेंडर हैं चाहे जो भी है, फ्रॉड तो अगर कुछ होगा तो आपके ही ऊपर आएगा। DPDP तो अलग ही स्टोरी है, उसमें भी कुछ केसेस हैं आपके पास? नहीं, DPDP तो दुनिया बोल रही है हम DPDP कर रहे हैं, हमारे प्राइवेसी करनी है करनी है, तो लेकिन इट इज़ टू अर्ली, अभी तो कानून बोला है कि कानून है, लेकिन वो कानून में करना क्या है कैसे करना है वो तो अभी तक बातें हुई नहीं है। 10 महीने बोला था कि 10 महीने में हम डालेंगे, 10 महीने तो निकल चुके हैं, 10 महीने और वेट कर लेंगे, लेकिन जिनकी कहते हैं दुकान चल रही है चल रही है, तो क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट तो है, देखो DPDP के नाम पे एक बार सब हिल तो गए हैं, और आप बोल गए कि प्राइवेसी इतना इम्पोर्टेंट है और वो कर रहे हैं एस्पेक्ट, बट जो आज का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इस चीज़ को कितना फॉलो कर रहा है, मे बी मेरे को जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास कुछ ट्रेडिशनल क्लाइंट भी होंगे, कुछ न्यू जन क्लाइंट भी होंगे, और आजकल क्या है एक स्टार्टअप क्या है कहीं से भी शुरू होता है, बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं, कॉलेज से भी शुरू होता है। अभी किसी ने किया कि मुझे एक आइडिया आया है, मुझे एक ऐप बनानी है, एंड्रॉइड की ऐप बनाई, मोबाइल पे डाला, डेटा कलेक्शन शुरू कर दिया। करेक्ट, ऑडिट तो दूर की बात है, मतलब वो सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में सोच भी नहीं रहे, क्योंकि उनको उनके पास इतना भी फंड नहीं है कि आइडिया इंप्लीमेंट करें, तो पहले तो उनका फोकस वही रहता है आइडिया इंप्लीमेंट करें, फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, पर उन्होंने ही एक डेटा लिया, डेटा चला गया, और मतलब उनके बारे में या उस इको सिस्टम के बारे में आपका क्या सर? वो जब शुरू में नहीं करता बाद में करता है तब तक लेट हो जाता है, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज नॉट ईजी। ठीक है, जैसे आप क्लाउड पे हो, अगर आपने क्लाउड में डेटा डाल दिया, दो क्लाउड ले कर उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, लेकिन अगर जो शुरू में ही प्लान करके ले गए आपने, शुरू में प्लान नहीं करते हैं। अभी स्टार्टअप का चक्कर क्या, भले बच्चा हो या बूढ़ा हो, आइडिया है बिजनेस का उसको या ऐप का आइडिया है, अब उसने ऐप का जो आइडिया बनाया उस टाइम वो सोचे ना, सिक्योरिटी इज अवेयरनेस नहीं है ना कहीं भी, वही तो बोल रहा हूँ ना, आप धंधा करना आप सीख गए हो, आपको मालूम है कि भाई फंडिंग मिलती है, आप VC के पीछे पड़ गए फंडिंग के लिए, उसके लिए पिच बना रहे हो करोगे लेकिन आपने साथ में जो सोचा ही नहीं ना कि भाई सिक्योरिटी कैसे करोगे। जब आप ऐप बना रहे हो आप उस टाइम ही सोचो ना, इसमें जैसे हमारी पहले बात हुई कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप डेटाबेस बना रहे, अभी मैंने एक ऐसी बच्चे को पकड़ा था जो ऐप बनाने के लिए वो डेटाबेस क्या किया, फ्लैट डेटाबेस बना दिया। मैं बोला यार मेरे पास 2 या 3, 10 मेरे पास और क्लाइंट्स होंगे और हर एक क्लाइंट को अपना एक्सेस तुमने देना है। बोला हाँ सर। मैं एक्सेस क्लाइंट की बात छोड़ो, तुमने 2 तरह के एडमिन बना दिए और यूजर बना दिए, हर एक को जो है सेम डेटाबेस में से डेटा मिल रहा है। और मैं एडमिन 1 हूँ, मुझे दूसरे का भी दिख रहा है, तो ये क्या तरीका है? ओ सर मैंने सोचा ही नहीं, मैं सोचा नहीं, मैं तेरे घर में अगर जो तूने भाड़े के लिए किसी को रखा है तो तू उसको वो भी तुम्हारे किचन का खाना बनाएगा क्या? ये आगे वहीं पे देखेगा, तुम उसको अलग चाबी दोगे, अलग वो दोगे, दैट इज हाउ इट वर्क्स, इट इज सिंपल। Why can't you think about it from the beginning itself? आपका एक क्लाइंट तो है नहीं, अभी साइबर फ्रॉड है, एक क्लाइंट तो है नहीं, 10 क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट का थोड़ी ना तुम मतलब ये हो कि भाई हाँ आप भी आके देख लो कि हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है। तो फंडामेंटल है बात, तो फॉर अ स्टार्टअप इट इज फंडामेंटल कि भाई देखिए जब वो स्टार्टअप कर रहा है तो अपना सोर्स कोड जो है संभाल के रखता है, क्यों कोई चोरी ना करे। अभी चोरी, यू नो द मोस्ट फनी थिंग इज व्हाट, आप किसी का सोर्स कोड चोरी कर लो, आप देखो बना सकते हो क्या? 19 मतलब जहां तक मेरा, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, लेकिन जहां तक मेरे को मालूम है नहीं बना सकते। आपको मालूम तो हो कि बना कैसे है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, क्या नहीं है। नकल के लिए भी अक्ल लगती है, वो तो है। तो अनलेस यू आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम, तो अब जब अपना जो है चीज को संभाल के रख रहे हो तो जब दूसरे का आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो वो क्यों नहीं संभालते हो आप? जो डेटाबेस आप बना रहे हो तो डेटाबेस को स्ट्रक्चर करो, डेटाबेस में एन्क्रिप्शन डालो,
अलग क्लाइंट का अलग वो बनाओ, सेग्रीगेट करो, वो करो, ये करो, ये कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और सिक्योरिटी को वाई डी आई डोंट नो, मतलब दुनिया सोचती है सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, वाह 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 ना, मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी बिजनेस है। लेट अस टेक एनी इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर एग्जांपल, ये आज तुम हो, तुम्हें क्या मालूम था कि भाई मीडिया क्या होता है, तुम्हें मालूम था कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, तुमने चार अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस खड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि यू शुड बी ए ग्राफिक यू नो एक्सपर्ट। अभी आपके जो टीम वाले हैं जो ग्राफिक काम करते हैं, वीडियो पे काम करते हैं, दे आर यूजिंग एन नंबर ऑफ टूल्स, यू डोंट नीड टू नो दोज टूल्स, यू आर दी ब्रेन कि ये करना है, ये करना है, ये 50 चीजों को इकट्ठा जोड़ना है, जिसका काम उसी को साझे, राइट? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सही बात है। तो मतलब मेरे ख्याल से ना, आपको लगता है कि ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए कि कोई भी अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है या कोई भी एक स्टार्टअप शुरू हो रहा है या जब भी वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक पहले एक होना चाहिए एक फ्रेमवर्क कि आप ये करो, ये दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो ही आप डेटा कलेक्ट करो, तो ही आप बिजनेस करो। कि आज क्या है ना, कोई भी कुछ भी नहीं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आप एनफोर्स नहीं कर सकते, राइट्स है ना आदमी, फ्रीडम है ना, फ्रीडम के हिसाब से आप एनफोर्स नहीं कर सकते ये ऐसा ही करो बिजनेस। नहीं, ऐसे भी है ना, अभी अभी आपको ड्राइविंग करनी है तो ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। हाँ, सिर्फ बिजनेस करना तो एक बिजनेस लाइसेंस भी होना चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, तो मैं आपको मेरे मैंने 5-10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसी पे। ओके, मैंने बोला था कि आगे चल के जो एक जमाना आएगा जब आपको प्रोग्रामिंग के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, तो एनीबडी हु लर्न्स टू डू प्रोग्रामिंग विल हैव टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये वक्त मैं अभी बोलता हूँ, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई सही बोला गलत बोला, मेरा अभी भी है कि भाई हाँ मानना है कि होगा। एआई जिस तरह से आ रहा है ना, बंदे को लाइसेंस चाहिए ही होगा कि जिसने क्या लिखा है क्या नहीं। थी आज एक बार और होती है ना कि भाई किसी को मालूम ही नहीं, जैसे बोलते हैं कि भाई व्हाट्सएप में जो है एट्रीब्यूशन होना चाहिए कि किसने भेजा है, फ्लैग होना चाहिए, लोग बोलते हैं प्राइवेसी के बाद चक्कर है, तो ठीक है प्रोग्रामिंग में डालो किसने ये प्रोग्राम लिखा है, लाइसेंस होना चाहिए उसका। सही बात है। सो उसमें जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो हमने अभी एक्चुअली चलाया क्योंकि क्या है ना, टेक्निकल जो है, और अभी तक आज के अगर हम अकेडमियां देखें तो बीटेक में भी लोगों को सिर्फ होता है कि मेरे को हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी की समझ, रिस्क की, वो कोई भी अकेडमिया भी नहीं पढ़ा रहा है। तो एमबीए वाले कॉलेज तो दूर की बात है, बट वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जिसमें हम एमबीए कॉलेजेस में जा जाके जो सेल्स के मार्केटिंग के एचआर वाले ग्रेजुएट हैं उनको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सिखाना शुरू कर रहे हैं। और एक हमारा एक कॉलेज जिन्होंने मैंडेट भी कर दिया है कि साइबर सिक्योरिटी आप हमसे लेंगे तो ही एमबीए डिग्री मिलेगी। तो आई थिंक वो ऐसा ना कुछ एक बिजनेस के लिए होना चाहिए कि आप जो एटलीस्ट जो हमारे लॉज या रेगुलेशन है, जो आप कानून बोल रहे हैं उनको आप समझो तो आप बिजनेस करो, नहीं तो कल को तो अभी डीपीडी में अगर पेनल्टी आ रही है 250 करोड़ की, एक स्टार्टअप वाले ने एप्लीकेशन बनाई कहाँ से 250 करोड़, राइट? तो वो एक चीज है। बट मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जो मुझे आपसे बात करनी थी कि आप ना बहुत कुछ लिंक्डइन पे डालते हो, अलग अलग पोस्ट डालते हो आप, जब स्पेसिफिकली फ्रेशर को हायर करते हो तो बहुत आपकी एक अलग सी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है कि आज के युवा के साथ काम करने वाला, और आपने पुराने आई से कि मिलेनियल के साथ भी और जेन जी के साथ भी काम किया है, तो आपको क्या फर्क आता है दोनों में, और आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी का टैलेंट आ रहा है वो कैसा है और उनको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, आजकल एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कोविड के चक्कर से आ गई है, वर्क फ्रॉम होम का चक्कर। आजकल जो है जो फ्रेशर भी आता है, मैं सिर्फ फ्रेशर ही हायर करता हूँ 99% टाइम, बट आई फाइंड कि भाई द अमाउंट ऑफ टाइम विच आई एम पुटिंग इन अ फ्रेशर अभी कोई इट इज नॉट वर्थ नाउ। पहले जो फ्रेशर्स थे मेरे पास आते थे, दे वर यू नो मोर पैशनेट एंड मोर हार्ड वर्किंग। इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे बोला कि भाई आई कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन बट डू यू नो ABC, उसको ABC भी नहीं आती तो बेचारा वर्क फ्रॉम होम क्या करेगा वो, मैं तो मेरे को मिलेगा नहीं, मेरे से बैठेगा नहीं, मेरे से चलेगा नहीं, तो कैसे तो सही है। नहीं, आई लर्न सर,
then if you can learn, then you learn and then come back to me. ये वर्क फ्रॉम होम का चक्कर बहुत बुरा है. Everybody has that expectation that I'll work from home and I will learn. It is impossible. So that is what people should get out of their mind, first thing. Then comes the word of a passion. और वो सोचते कि भाई हाँ एक इंटर्नशिप कर ली, एक कोर्स कर लिया तो मैं पैशनेट दिखा सकता, पैशन दिखा सकता हूँ. इट्स नॉट पॉसिबल. आदमी के बोलने से मालूम पड़ता है कितना पैशन है, क्या है. एंड लाइक यू सेड अर्लियर, लोग को मालूम नहीं है, सोचते कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो बस मैं 30 मार्क का बन गया. तो 10 दिन का सर्टिफिकेशन करने से आदमी 30 मार्क का बन गया. कि आज की युवा के पास ना पेशेंस की बहुत कमी है. उनको हर चीज क्विकली चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए. तो वो एक मुझे चैलेंज लगता है. बट आई थिंक एक अगर है कोई अच्छा है आज की जनरेशन का, अगर उसको ऑडिटर बनना है तो एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? और अगर आपको कोई एक फ्रेशर आता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि भाई अगर तेरे को अच्छा ऑडिटर बनना है तो ये तेरे को 10 चीजें या 5 चीजें सीखनी चाहिए, और ये एक क्वालिटीज, और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको लगता है कि एक ऑडिटर में होना ही चाहिए. नहीं, फंडामेंटल तो सी, लोग सोचते कि मैं VAPT करता हूँ तो उसकी जिंदगी वो या उसका जो दायरा है वो VAPT है. वो ये नहीं सोचते कि बाकी कुछ और है सिक्योरिटी में, या जो जो ऑडिट कर रहा है वो उसको वो आए दायरा पकड़ता ऑडिट का ही, वही सवाल पूछता है, वही जवाब पूछता है. बट ही और शी हैज़ टू लर्न मोर देन दैट, अंडरस्टैंड कि भाई IT क्या है, बिजनेस क्या है. मेन वो है, वो बिजनेस को समझने सोचता ही नहीं है पहले. वो सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ लिया, सर्टिफिकेट, वो क्या नाम है अपना, 5 दिन का प्रोग्राम होता है, 12 घंटे तो 18 घंटे में जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको. अच्छा एग्जाम क्या होता है, वो सर्टिफिकेट, वो सॉरी जो स्टैंडर्ड है उसी पे सवाल पूछते हैं. हमारे कितने ही बच्चे हों, जेन जी हो, मिलेनियल हो, मेरे टाइम के हो, जो भी हो, किताब दो हाथ में पढ़ना है वो रत्ता मार लेगा, फटक से एग्जाम दे सकता है, पास हो जाएगा. पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, बोला मैं तो ऑडिटर बन गया, मैं ये बन गया, जो बन गया. बट टाइम लगता है ना उसको, आदमी को सीखने के लिए कि भाई हाँ सवाल कैसे मिलते हैं, जवाब कैसे होते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट कैसे बनानी है. तो दैट इज वेयर द टाइम इज रिक्वायर्ड. लाइक यू सेड जस्ट नाउ, पेशेंस इज नॉट देयर. पीपल थिंक कि भाई हाँ जी एक ही कर लिया भाई बन गया हूँ, और हर सेकेंड डे तो उसके पेट में दर्द होता है, जैसे स्कूल में होता था. तो आज पेट में दर्द है, कल नानी मर गई, परसों अंकल आ रहा है, तरसों जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, फिर उसका जो क्या नाम है ट्रेन लेट हो गई. तो वो स्कूल के बहाने चलते रहते हैं. वो हमारे भी है यूथ तो काफी कुछ ऐसा सेम सेम सिचुएशन, दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट कि दिस इज लाइफ इज डिफरेंट. तो उसको निकलते निकलते 4-5 साल निकल जाते हैं. अच्छा इन अ स्मॉलर कंपनी देन यू नो एनफोर्समेंट इज डिफिकल्ट, बट इन अ लार्ज कंपनी जहाँ रूल बना हुआ है, आपने कहते ना साइन इन नहीं किया, आधा घंटा लेट हुए या 10 मिनट लेट हुए, 5 बारी लेट हुए तो आपका दिन कट गया. दिन कट गया, तो वो मरे जिए, चू चू करे, कुछ भी करे, उसका दिन तो कट गया था. आप अपने केस में जो है वो 5 मिनट लेट आया, देन ऑलरेडी यू कैन से व्हाई. जैसे हमारे उसमें है कि भाई एवरी फ्राइडे मॉर्निंग वी हैव टू हैव अ मीटिंग. बोला हुआ कि फ्राइडे और कुछ करना ही नहीं है. नहीं, मेरे वो क्लाइंट की वहाँ मीटिंग है. क्यों? यू आर हियर फॉर दैट. सो दैट डेडिकेशन और यू नो अच्छा वन मोर थिंग इज वेरी बैड इज बीइंग ऑन टाइम. आई हैव येट टू सी एनी यंगस्टर हु विल बी ऑन टाइम. 10 बजे की मीटिंग है, उसको मालूम है आधा घंटा लगता है, तो 9:35 वो निकलेगा जाने के लिए. मेरे को बोले सर मैं पहुँच रहा हूँ. अरे पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट पहुँच रहा हूँ. अरे 10 तो बज गया. तुम ऑनलाइन मीटिंग में भी जो तुम 5 मिनट लेट आ रहे हो. सो दैट इज वेयर यू टू टेल देम यू टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. आई डोंट रिस्पेक्ट मी, यू टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी एल्स हुज देयर. एग्जैक्टली, ये मैंने डिफरेंस देखा क्योंकि जब हम जॉब कर रहे थे राइट, हमारी हिम्मत नहीं होती थी लेट आने की. क्योंकि मैं आई थिंक बैंकिंग इकोसिस्टम में जब भी काम किया है तो वहाँ पे तो आई थिंक वन ऑफ द बैंक एक्सिस राइट, अगर आप 5 मिनट लेट आते हो तो आपका हाफ डे लग जाता है. तो आपकी अटेंडेंस नेक्स्ट हाफ में काउंट होती है.
एंड दूसरा अगर मीटिंग्स चल रही हैं तो यू कांट बी लेट. मैं कल्चर देखा जेपी का माउंटलिस का, इवन आप अगर डायरेक्टर लेवल पे ही हो और इफ यू आर कमिंग टू मिनट्स लेट दे जनरली रिप्लाई बैक सेइंग आई एम रनिंग लेट. तो वो एक जेस्चर देते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेनली, बट इंडिया में वो आना बाकी है. बट आई थिंक बाकी आपने बहुत सही सही पॉइंट्स बोले जो हमारे दूसरा ये रिपोर्टिंग. अरे रिपोर्ट या बोलने में ना नहीं याद आती. पीपल आई एम टेलिंग यू कि भाई यू आर गोइंग होम, पिक अप योर फोन, गिव मी योर फाइव लाइन ऑन द व्हाट्सएप कि सर मैं यहाँ गया ये गया ये गया. वो भी तकलीफ होती है आपको. अच्छा आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. नाउ आई एम नॉट बॉर्न डे बिफोर यस्टरडे नॉट टू अंडरस्टैंड कि आपने काम कितना किया. आपने दो या तीन क्लाइंट को फोन किया, 10 मिनट खत्म. All day long, what were you doing? तो जब आप आपको मालूम है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपकी चोर की गाड़ी में तिनका. बट वाई डू यू कम टू दैट पॉइंट. सी द थिंग अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट थिंग इज आई टेल माई टीम पीपल आई टेल देम डोंट वर्क टू ट्राई एंड प्रूव टू मी कि यू आर वर्किंग. वर्क फॉर योर सेल्फ. तुम्हारे को अपना काम करना है और तुम्हारे को सर अपने से तुम झूठ नहीं बोल सकते. तुम क्या जानते हो. अगर जो हम दोनों क्लाइंट में कहा गए फॉर मी इज अबाउट अ फ्रेशर फ्रेशर कम्स विद मी टू अ क्लाइंट एंड ऑल दैट वो साथ साथ में सीखता है. तुम सोचो ना तुमने क्या सीख लिया. या जब मैं बातें कर रहा हूँ तो तुमने बीच में कुछ एक वर्ड भी बोला नहीं बोला. बाहर निकलने के तुमने मेरे को नोट्स भेजे अपने नहीं भेजे. मिनट्स मैंने बनाया वो सब मैंने कर दिया. तुमने क्या किया. मेरा बैग लेके घूम रहे हो. मेरे पियोन हो गया. पियोन की सैलरी लो ना मेरे से. देन लाइक ऐसे कि भाई ओके व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड एंड व्हाई शुड आई वर्क फॉर यू. सर यू आर नॉट वर्किंग फॉर हाउ डू यू वर्क. सारा 10 तारीख को सैलरी तो तुम लेने आते हो. अगर नहीं दी तो और तुमने लास्ट मंथ में करा गया 22 वर्किंग डेज में तुम मुझे दिखा लो इफेक्टिवली तुमने कितना काम किया. अगर मोर देन 5 दिन काम किया हो तो मेरा नाम बदल. सो बीइंग मनी माइंडेड इज फाइन बट एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ यू कैन नॉट बी मनी माइंडेड. यू डू आर नॉट दैट लकी. सी एवरीबॉडी इज नॉट दैट लकी. देयर आर सम पीपल हु आर वेरी लकी. समबडी माय फैमिली इज वेरी लकी. माय ओन डॉटर इज वेरी लकी बाय द वे. शी स्टार्टेड ऑफ very very well after management but I have yet to see anybody even her friends I see they are not that lucky. My daughter started off in an internship which was 5 to 6 figure internship then she was hired. And even today uski salary matlab badhti jati hai na. So she has a problem getting her into a new job. Okay. Nobody can afford her. वो अलग story है. But everybody is not that lucky. वही बेटी का हाल है. The other daughter is not that lucky. है ना. भले दोनों में एक साल का फर्क है सिर्फ. Okay. So difference. So everybody has to work hard. I had to work hard. And nobody is willing to do that. You are willing to just look at the money part of it. मुझे पैसा कितना मिल रहा है मुझे वो क्यों. That is very very wrong. You have to work for work. You have to work to learn. The first 2 years of your life, 3 years of your life. After that, cyber security gives you all. So anyway. Amazingly, I think आपने बहुत प्यार से बोला work for work and work for learn. I think with this बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. ऑडिट के बारे में, कंप्लायंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में और जेन ज़ी को एटीट्यूड चेंज करने की बहुत जरूरत है. जैसे ब्रजा सर ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है. आई थिंक पहले 2-3 साल आप मेहनत करिए. ऑडिट करना है तो पेशेंस चाहिए, फंडामेंटल्स चाहिए और अगर और देखना है तो इसको वापस रिवाइज करके देखिए. मैं आपको मिलूंगा अगले मंगलवार 6 बजे. एंड थैंक यू ब्रजा सर फॉर बीइंग ऑन द शो. एंड छोटा सा एक जेस्चर है मेरी तरफ से. थैंक यू. एंड आपका टाइम देने के लिए बहुत ही मजा आया. और आप अपना सुरक्षित रहिए. अगले हफ्ते वापस मिलते हैं मंगलवार 6 बजे.